शुक्रवार की रात शामली जनपद में गढ़ी पुख्ता क्षेत्र के गांव भैंसवाल में स्थित एक प्राचीन जैन मंदिर से कुछ अज्ञात चोरों द्वारा अष्ट धातु से बनी दो देव प्रतिमा चोरी कर क्षेत्र में सनसनी फैला दी गई। शनिवार की सुबह मंदिर के पुजारी द्वारा मंदिर का ताला खोलने पर जैसे ही उसे चोरी की जानकारी हुई तो पुजारी द्वारा पूरी घटना की जानकारी मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ साथ स्थानीय पुलिस को दी गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शामली में गढ़ी पुख्ता क्षेत्र के गांव भैंसवाल में लगभग 150 वर्ष पुराना एक जैन मंदिर है। वर्तमान में जैन मंदिर में नवीनीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते मंदिर में स्थित तीन पाषाण व दो अष्ट धातु की मूर्तियों को मुख्य स्थान से हटाकर बगल में रखा गया है तथा इसी नवीन स्थल पर ही भगवान की पूजा अर्चना का कार्य जारी है। शुक्रवार की शाम भी मंदिर का पुजारी मनोज पूजा अर्चना के बाद मंदिर को ठीक प्रकार से बंद कर चला गया था। शनिवार की सुबह लगभग 6:30 बजे जब मनोज ने आकर मंदिर खोला तो पाया कि अष्ट धातु से बनी दो देव प्रतिमाएं अपने स्थान से गायब हैं तथा मंदिर की अलमारी का ताला भी टूटा पड़ा है, जिसके पश्चात मनोज द्वारा इस घटना की जानकारी मंदिर समिति के अध्यक्ष राजीव जैन को फोन के माध्यम से देने के साथ साथ गढ़ी पुख्ता थाने को भी मंदिर में चोरी होने की जानकारी दी गई। मंदिर में चोरी की खबर पाकर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची तथा पुलिस के आला अधिकारी भी फॉरेंसिक टीम व अन्य जांच दल के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में लग गए। घटना के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एक मंदिर समिति के पदाधिकारी व एडिशनल SP ओपी सिंह ने बताया, ये भैंसवाल में दिगंबर जैन मंदिर है, वहाँ पर 5 मूर्तियाँ मंदिर के अंदर विराजमान हैं, सिर्फ 2 पाषाण की हैं और 3 पाषाण की हैं और 2 अष्ट धातु की हैं। 2 अष्ट धातु की जो मूर्तियाँ हैं वो चोरी हुई हैं, एक वासु पूज्य भगवान की और एक महावीर। तो कैसे चोरी हुई, क्या कहाँ से चोर आया? चोरी का मंदिर का मुख्य द्वार बंद था और चोरी का जो ऊपर द्वितीय तल है उसका भी द्वार बंद है, लेकिन जो प्रथम तल पर बीच में एक द्वार पड़ता है वो खुला हुआ है। तो किस कारण से है ये जानकारी नहीं है। मंदिर में जो पुजारी काम करता है उसने उस द्वार को नहीं देखा, देखा नहीं सामने देखा। अच्छा, तो बता रहे कि कंस्ट्रक्शन का भी कुछ काम चल रहा है मंदिर में? कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, नक्काशी का कार्य चल रहा है, पिछले लगभग 2 वर्ष से चल रहा है। पेंटिंग का कार्य भी चल रहा है जिसमें लेबर लगी रहती है, और लगभग शाम को 6:30 बजे यहाँ से लेबर बंद करके चली गई है। और बाहर से जो पुजारी ने मंदिर चेक किया तो ताला बंद था मुख्य द्वार का, लेकिन पुनः जब वो सुबह 6:30 बजे आता है तो उस समय उसे मंदिर का जब गेट खोला है तो उसको यहाँ पर अलमारी जो है टूटी हुई मिलती है, जिसमें से 2 प्रतिमाएं, एक वासुपूज्य भगवान की और एक महावीर भगवान की, वो चोरी हुई भी दिखाई देती है। तभी उसने मंदिर के अध्यक्ष श्री राजीव जैन जी को 6:50 पर उनको सूचना दी है कि यहाँ पर ऐसे ऐसी घटना हुई है। राजीव जी ने मुझे भी फिर सूचना दी है सचिन जैन, तभी हम सब लोग यहाँ पर पहुँचे। अच्छा, कितने मतलब साल पुरानी मूर्तियाँ थी? लगभग 150 वर्ष पुराना मंदिर है जी, और जभी की तभी की प्रतिमाएं हैं। ये हमारी आस्था की केंद्र है, आस्था केंद्र है, जैन धर्म की बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। बहुत बड़ी हानि हुई है और जैन धर्म इससे बहुत ही हृदय से दुखी है, मन दुखी है अंदर कि कैसे हमारी हम किसी अहिंसा प्रेमी व्यक्ति होने के बावजूद भी हमारी आस्था पर जो चोट पड़ी है उसको हम नहीं भुला पाए। देखिए, जनपद शामली के थाना गढ़ी पुख्ता अंतर्गत एक ग्राम भैंसवाल है। ग्राम भैंसवाल में एक जैन मंदिर जो प्राचीनतम मंदिर है बताया जा रहा है, लगभग 100-150 साल पुराना मंदिर है। वर्तमान समय में उस जैन मंदिर का पुनरुद्धार हो रहा है, उसका नवीनीकरण कराया जा रहा है, और जो गर्भगृह है जहाँ भगवान की मूर्ति होती थी उस गर्भगृह में काम करने चलने के कारण वहाँ से बगल में भगवान की मूर्तियाँ स्थापित की गई थी और वहीं वर्तमान समय में पूजा पाठ हो रहा था। उस मंदिर में जो ट्रस्ट के लोग हैं, ट्रस्ट के लोगों के माध्यम से एक जनपद फिरोजाबाद के एक पुजारी जी को रखा गया था जो सपरिवार रह करके भगवान की पूजा अर्चना इत्यादि के काम करते थे। रात्रि में भी ऐसा बताया जा रहा है कि जब मंदिर में काम करने वाले लोग और पुजारी जी लोग ये सब बंद करके ताला वाला बंद करके चले गए, जाने के बाद सवेरे के समय जब वो आए दिन के बाद तो पुजारी जी द्वारा देखा गया कि भगवान की जो भगवान आदिनाथ की और भगवान महावीर स्वामी की ये जो 2 मूर्ति थी जो देखने में गोल्ड जैसी प्रतीत हो रही थी जैसा उन लोगों का कहना है, तो वो दोनों मूर्ति अंदर से वहाँ भगवान की गायब हुई। इस सूचना के बाद पुजारी जी द्वारा जो ट्रस्ट के लोग हैं उनको कम्युनिकेट किया गया,
थाने को बताया गया और जैसे ही थाने को इस चीज़ की जानकारी मिली, थाना स्तर से लेकर के उच्चाधिकारी स्तर तक इस मंदिर का भ्रमण किया गया। फोरेंसिक की टीम बुलाई गई, स्नेफा टाक की टीम बुलाई गई, एसओजी स्वाट टीम बुलाई गई और इसमें हम अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई करा रहे हैं।